मोदी सरकार अपने कार्यकाल का आखिरी बजट 1 फरवरी को पेश कर रही है। कुछ दिन पहले तक पूर्ण बजट और अंतरिम बजट को लेकर घमासान चला, लेकिन बाद में वित्त मंत्रालय ने स्थिति स्पष्ट कर दी। फिलहाल बजट को लेकर तमाम कयास लगने लगे हैं। हालांकि काफी लोगों को पता ही नहीं होता कि बजट आखिर होता क्या है और हर साल इसे क्यों पेश किया जाता है। अगर बजट का गणित आप भी समझ नहीं पा रहे तो देखिए ये रिपोर्ट। क्या होता है बजट? आप हर महीने सैलरी आने पर हिसाब बनाते हैं कि कितने पैसे खर्च करने हैं और कितनी सेविंग करनी है। उसी तरह देश की सरकार पूरे साल की कमाई और खर्चे का अंदाजा लगाकर बजट पेश करती है, लेकिन यह बजट सालाना होता है। इसमें आने वाले साल की प्लानिंग का भी ब्यौरा दिया जाता है। भारत में दो तरह के बजट, रेल बजट और आम बजट पेश किए जाते हैं। पहले ये दोनों बजट अलग अलग तारीखों पर पेश किए जाते थे, लेकिन मोदी सरकार दोनों बजट एक साथ लाती है। आप सोच रहे होंगे कि सरकार देश का बजट तय करेगी तो हमें क्या फायदा, इससे हम पर क्या असर पड़ सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। हर बजट का असर हमारी जेब पर भी पड़ता है। सरकार की आमदनी का एक बड़ा हिस्सा उस टैक्स से आता है जो आप इनकम टैक्स के रूप में भरते हैं। किन चीजों पर टैक्स बढ़ा है और किन चीजों पर टैक्स कम हुआ है, इसकी जानकारी भी बजट में दी जाती है। इसलिए ये बजट होता है आपके काम का बजट। ऐसे बनता है देश का बजट। कुछ दिन पहले आपने वित्त मंत्री अरुण जेटली की एक तस्वीर देखी होगी जिसमें वे हलवा बना रहे थे। दरअसल यह बजट से जुड़ी वित्त मंत्रालय की काफी साल पुरानी परंपरा है जिसे हलवा समारोह कहते हैं। इस समारोह के बाद दिल्ली के नॉर्थ ब्लॉक में स्थित सरकारी प्रिंटिंग प्रेस में बजट के दस्तावेजों की छपाई शुरू होती है। इस दौरान वित्त मंत्रालय और उससे जुड़े तमाम विभागों के अधिकारियों को प्रेस में रहकर ही बजट तैयार करना होता है। ऐसे में बाकी दुनिया से उनका संपर्क पूरी तरह कट जाता है। यहाँ तक कि परिवार से भी उनकी बातचीत बंद कर दी जाती है। कोई जरूरी काम होने पर वे सिर्फ संदेश भेज सकते हैं। इमरजेंसी से निपटने के लिए बजट प्रेस हाउस में ही डॉक्टर भी तैनात रहते हैं। यह माजरा है अंतरिम बजट का। आपने खबरों में पढ़ा होगा कि मोदी सरकार पूर्ण बजट पेश करना चाह रही थी, लेकिन अब अंतरिम बजट पेश कर रही है। दरअसल केंद्र सरकार हर साल आम बजट पेश करती है जिसे पूर्ण बजट कहते हैं। इस बजट में एक साल तक की आमदनी और खर्च का लेखा जोखा होता है, लेकिन चुनावी साल में मौजूदा सरकार सिर्फ उतने समय तक का बजट पेश करती है जब तक वह सत्ता में रहती है। यानी चुनाव के बाद आने वाली नई सरकार अपना बजट पेश करती है। इस बात को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि अप्रैल 2019 में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में मोदी सरकार सिर्फ अप्रैल तक का बजट पेश करेगी। चुनावी नतीजों के बाद सत्ता में आने वाली सरकार अपना पूर्ण बजट पेश करेगी। 1 फरवरी को मोदी सरकार अंतरिम बजट पेश करेगी। क्या उसे साल 2019 में ही पूर्ण बजट पेश करने का मौका मिल पाता है, यह देखना दिलचस्प होगा।